नंदनी, बचपन में एक बार मेरी बहन ने सोते में मेरे बाल काट दिए थे। मैं एक हफ्ते अपने कमरे से बाहर नहीं निकला कि कोई देख लेगा, हंसी उड़ाएगा मेरे। मुझे उस दिन जब पता चला कि तुम्हारा नाटक अंग्रेजी में है तो डर के मारे मेरे पसीने छूट गए। ऊपर से शर्म, कैसे बताऊं कि अंग्रेजी मेरे लिए एवरेस्ट चढ़ने जैसी है। बोलना तो दूर, कभी कभी तो समझ भी नहीं आती। तुम लोगों के बीच होता हूँ तो बहुत बार देखा देखी हंस देता हूँ, सर हिला देता हूँ, पर हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं पकड़ा ना जाऊँ। रात को डरावना सपना आता है कि सब मुझसे ज़बरदस्ती अंग्रेजी बुलवाकर हंस रहे हैं, इसलिए बुखार का नाटक किया मैंने। और फिर एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा बोलते बोलते झूठ की कतार लग गई। तुमने मेरे लिए इतना किया और मैंने बदले में ये दिया, गधा हूं मैं। पता नहीं तुम माफ करोगी या नहीं, कहो तो नाक रगड़ लूं जमीन पर। फिर भी नहीं करती तो कोई बात नहीं, दूर रहूंगा आज से। मुरली डीएस। झूठे, ऊपर से चोर भी हो तुम। क्या, मैं तो बस। Shut up, you scum. एक तो उसने तेरे लिए प्ले पोस्टपोन किया और तू उससे झूठ बोल रहा है। तो शेमलेस और व्हाट? भाग का रहे हो? नहीं, मैं सच बताने वाला था। Don't you dare. अगर कोई स्टूपिड सा एक्सक्यूज बनाए ना, I'll knock everybody's face in. Guys, क्या हुआ? What's happening? नंदिनी, तुमने सच कहा था। मुरली माइंड ब्लोइंग एक्टर है। तुमने कब देखी इसकी एक्टिंग? अरे सबने देखी है, हार्ट टूटने की क्या एक्टिंग की है इसने। अवार्ड मिलना चाहिए इसे। What rubbish? क्या कह रहे हो तुम? रबिश लगता है तुमको? बताओ ना इसे सच, हार्ट टूटा है ना तुम्हारा? आओ कुछ तो करो, घर से प्रैक्टिस करके आए होगे तुम। Come on, tell her. Stop it. What the hell, मुरली? क्या कह रहा है ये? Is it true? ये सब झूठ था। Say something, damn it! अब क्या बोलेगा ये? इसके दोस्त दीपू के साथ वॉशरूम में बात कर रहा था। I heard it. He's a liar. मुरली ये सच कह रहा है? Of course सच है। उसकी शक्ल पे दिख रहा है। Why are you even asking him? मुरली, not cool, dude. We were like feeling bad for you. You scammed us. That's sick. You're sick. Tu aur tera dost kahan hai wo shitty face? Yaar, take a chill pill. Chill pill mil jayega, bloody loser. Ek ulta hath ka thappad padega na to floor se hatta firega. Acha. Tum maroge main. Haan ji. Tum maar ke dikhao. Wait, kya main? Bol. लो रखो तुम्हारा होमवर्क। हमें लगा तुम्हें ये चोट हमारी वजह से लगी है। ये इडियट है हम। प्ले नहीं करना था तो बोल देते ना, इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? हमें पता होता ना तुम ऐसे हो, तुम्हारे दोस्त कभी नहीं बनते हम। वैसे भी यू वर नेवर माय फर्स्ट चॉइस। व्हाट इज ऑल दिस कमोशन? क्या हो रहा है यहाँ? क्या चल रहा है यहाँ पर? मैम, मुरली ने हमसे झूठ कहा, उसका हाथ फ्रैक्चर नहीं है। व्हाट? उसके लिए हम लोगों ने अपना शो तक पोस्टपोन करवा दिया। एक महीना भी नहीं हुआ हम लोगों को यहां आए हुए और तुम्हारे बेटे ने गुल खिलाना शुरू कर दिया।
आप इसकी भी सुन लीजिए। मुरली बेटा बता अपने पापा को क्यों किया तूने ऐसा। अरे ये क्या बोलेगा, आते ही पर निकल आया इनके, कल मोबाइल मांगा और आज धोखेबाजी शुरू कर दी। कुछ बकेगा भी कि यहां भूत बन के खड़ा रहेगा। आराम से पूछिए, आराम से, बेचारा डर रहा है। ये डरेंगे, अरे डरते हुए हैं जिनके दिल में शर्म या हया होती है। डर तो मैं रहा हूं कि कल इस लिखट्टू को किसी ने स्कूल से निकाल दिया तो मैं कहां जाऊंगा, किसको मुंह दिखाऊंगा। डर रहे हैं ये। देखा देखा, बेशर्मी की हद देखी। बाप यहां बके जा रहा है और साहब जाते यहां से टहलते में निकल लिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बिना बात का बतंगड़ बना रहे, कल जाकर देखिए, हो सकता है इतनी बड़ी बात। मैं बात का बतंगड़ बना रहा हूं सविता, मैं बात का बतंगड़ बना रहा हूं। तुम बस यहां बैठी रहो, खैली पुलाव पकाती रहो, खाती रहो, मैं बात का बतंगड़ बना रहा हूं। सलोनी अंदर जाकर भैया को छेड़ा ना तो चोटी खींच कर थप्पड़ लगाऊंगी तुझे, समझे। आप छोटे खींचो पर मैं मुरली भैया की टांग जरूर खींचूंगी। पापा की डांट सुन के ठंडे हो गए, हीटर लाओ या थर्मोमीटर, छोटी पट्टी लगवाओगे। भैया बेटे हसली आंसू, रतलाम के गुड्डू है ना, उन्होंने मुझे कुश्ती के दाव सिखाए हैं, तुम्हारे टीचर को कूट के उनका भर्ता बना दूंगी। पापा से बात करूंगी, नहीं डांटेंगे तुम्हें। चल बेब, इट्स गुड ना, पता चल गया कितना लूजर है वो। व्हाई डू वी नीड अ मैन प्ले। हाँ बट या बट एंड लेग्स, सेक्सी लेग्स, फॉरगेट एंड। हमें बस ये समझ नहीं आ रहा, Why would he do this? हमें तो लगा था वो हमारा दोस्त है। Please, you don't need as a friend. अच्छा, सुना? कल फिजिक्स की नोटबुक ले आना, मुझे नोट्स लेने हैं। ओके, चल बाय। नंदनी, खाना रेडी है? हाँ आई। क्यों किया तुमने ये सब बोली, कोई जवाब है तुम्हारे पास? नहीं सर, माफ कर दीजिए मुझे, मैंने बिना सोचे प्ले के लिए हाँ कर दिया। प्रैक्टिस का समय आया तो मैं डर गया, इसलिए झूठ। सॉरी सर, सॉरी। मुरली, ये नाटक, स्टेज पे परफॉर्मेंसेस, ये सब स्कूल में इसलिए किए जाते हैं ताकि तुम जैसे बच्चे अपने अंदर छुपे डर से लड़ सके, उनसे जीत सके। झूठ बोलने के बजाय तुम हमारे पास आते, हम तुम्हें समझाते। ये इंग्लिश का प्ले साल में एक बार होता है और तुमने इतना अच्छा मौका गवा दिया। सर, इंग्लिश का प्ले मतलब ये जो नाटक होना था वो अंग्रेजी में था क्या? हाँ, क्यों? सर वो मैं समझ गया कि मुरली ने क्यों मतलब क्यों झूठ बोला। सर दरअसल ये बचपन से ही थोड़ा शर्मीला है, लेकिन झूठ बोलना गलत था, मैं मानता हूँ सर, और मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ सर, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा।
मैं आपको गारंटी देता हूं आपको आगे ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सर। पहली गलती है और तुम्हारे पापा कह रहे हैं इसलिए एक चांस दे रहे, पर दूसरी गलती आखिरी गलती हो, याद रखो सीधे सस्पेंशन। थैंक यू सो मच सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आगे ऐसी कोई गलती नहीं करेगा ये। थैंक यू सो मच। अंग्रेजी के लिए झूठ बोला था ना? सॉरी पापा, क्लास का टाइम हो रहा है। अरे मुरली ब्रो, क्या बोला टर्मिनेटर ने? हाँ, अरे आई विल टर्मिनेट यू। अरे प्रिंसिपल सर क्या बोले? यही कि आखिरी मौका देते हैं। सॉरी यार, वो झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मैं तुम्हारी ना लग गई फालतू में। नहीं यार, उसमें तुम्हारी गलती, दिखता नहीं है, हॉर्न बजाए अब। नहीं ब्रो, तेरे दोस्त की तो वैसे ही बैंड बज रही है, और तेरे झूठे दोस्त को बोल के हमारे प्ले के स्क्रिप्ट वापस करे, कि औकात नहीं हमारी स्क्रिप्ट रखने की। बैठ जाओगे हमारे हाथ से, हम बता रहे हैं। आई फॉर रियल दीपू, बल्कि मार भूल गया तू, बड़ा ग्रीन बेल्ट हम टू डैन। ओए दीपू चले, ब्रो, असली विलन ना ये विक्रम चिकना है। हमारे कैम लैब में ना एक वायरस बना है, चिकने के बेड पर डाल देंगे, नंगा भागता फिरेगा। नहीं, मैं खुद निपटूंगा इससे। हर साला एक नाटक से बचने के लिए कितने नाटक करने पड़ रहे हैं हमें, मतलब तुम बता क्यों नहीं देते भाई कि तुम इंग्लिश में पैदल हो, ये रायता ही नहीं फैलता इतना। क्यों बताऊं, सबको एक और मौका मिल जाएगा मेरे ऊपर हंसने के लिए, मुझे सिर्फ नन्नी को बताना है बस, बाकी सब जाएगा वो खाने। कैसे बताओगे तुम उसे? चिट्ठी लिखी है मैंने उसके लिए। चिट्ठी लिखी तुमने उसे? लव चिट्ठी लिखी क्या? वो चिट्ठी पढ़ती उससे पहले विक्रम ने बवाल कर दिया, पर वो पढ़ेगी ना समझ जाएगी यार। तुम मुझे ये बता दो कि हुआ क्या, मतलब थोड़ा डिटेल में अगर पता चल जाएगा तो। थोड़ा बहुत भी चल जाएगा। This kid is sorted, Nan. Whatever. तुम decide कर लो, हमें involve नहीं होना। मुरली से better lead मिल गया है। So chill. नंदनी, here. वो झूठे से script वापस ले ली मैंने। और by the way, उसका मुंह देखने लायक था। इतना खतरनाक मुंह था ना भाई। नंदनी, guys, props की list बना दो, and then we'll source them from Chor Bazaar. List तो बन गई है, बस अब तुम्हें decide करना भी जाना कब है। वो बताती हूँ। What about the costumes? कौन ला रहा है? I've done that. Don't worry. This is bad, bro. हमको तो लगा था कि नंदिनी ना थोड़ी sensitive थी, पर भाई कुछ फर्क नहीं पड़ा तुम्हारी love पर्ची से। Listen up guys, नंदिनी की बर्थडे पार्टी है संडे को उसके घर पे, फुल क्लास इज इनवाइटेड। ये पर जिसको लास्ट के साथ पार्टी नहीं करना है तो उसे। आयुष स्टॉप इट, डोंट बी मीन। अरे मुरली ब्रो, अरे उनके कहने से कुछ नहीं होता यार, हम जानते हैं असलियत क्या है। वो लोग एकदम झूठे और फेक है, फेक लाफ, फेक स्माइल, सब कुछ फेक। अरे मेरा मानना, अगर दोस्त बनाए तो दोस्ती के साथ रहो ना, मतलब ट्रस्ट करो उन पे। ऐसे हम ना अपनी पार्टी करेंगे, मैं तो आज भी ना अपने नर्सरी क्लास वालों के साथ में पार्टी करता हूँ। बात पार्टी की नहीं है यार। तो
अच्छा तो ये बात पार्टी के रिजेक्शन नहीं, नंदिनी के रिजेक्शन की बात। तो देखो मुरली ब्रो, ऐसी बात है कि नंदिनी जो है ना वो हमारे लेवल से बहुत ऊपर है, और उसके बीच में आता है 3-4 लेवल, और तुम्हारा उसको पटाना तो भाई ऐसा है जैसा जैसा किसी चूहे का हिरनी को। तू चुप रे यार, चुप प्लीज। We could go back to being how we were, Kathleen. But I don't want to go back. I want to move ahead with you. Hold your hand and walk into the sunset. I want to share every moment of my life with you. I wish you could read my eyes. You could. Feel my heart. Sorry. I wish you could feel. You still don't know your lines. Guys, एक हफ्ता बचा है प्ले के लिए, और तुम्हें lines याद नहीं है। मैंने बोला था ना तुम्हें, मेरा basketball practice है, वो छोड़ दूँ मैं तुम्हारे लिए। Fine, go to your practice, अभी जाओ। If you were not serious ना, हाँ नहीं बोलना चाहिए था। I am serious नंदिनी, लेकिन एक दिन में तो पूरी script नहीं होगी ना, तो chill okay? कहाँ जा रही हो अभी? Chill करने। तुम्हारा play याद हो जाए ना, तो बता दो, आ जाऊँगी। What's with the attitude, bro? अरे शी इज कूल, अभी स्ट्रेस्ड है बिकॉज ऑफ द प्ले, उसकी बातों को सीरियसली मत लेना। दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम डूड, ऐसे बिहेव करेगी ना तो टू हेल विद हर प्ले, आई एम आउट। नो नो नो, यू कैन नॉट डू दैट ब्रो। हे गाइस, नांस का बर्थडे गिफ्ट कुछ सोचा? वी कैन ऑल पिच इन। यस लेट्स डू दैट। विक्रम आर यू इन? या राइट। एक आइस पैक ले लो उसके लिए, ठंडी हो जाएगी थोड़ी। हेलो। सॉरी ब्रो, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम नंदिनी को लेकर इतना सीरियस हो? मेरे होने से क्या फर्क पड़ता है, उसे तो पता भी नहीं कि मैं। अरे भाई पर तुम्हें तो पता है ना। देखो मुरली ब्रो, लव चाहे वन साइडेड हो या दोनों तरफ से हो, कहलाता लव स्टोरी ही है, और हमने तुम्हारी लव स्टोरी फ्लॉप करा दिया। I'm sorry. तू क्यों सॉरी बोल रहे है? उसने चिट्ठी पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं कहा तो वैसे भी सब खत्म ही है। सही कहा था तूने, नंदिनी जैसी लड़की मुझसे लड़के को मिल ही नहीं सकती। अरे यार मुरली ब्रो, हम तो गधे हैं भाई, हम मत सुना करो हम जो कहते हैं। मुरली ब्रो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। नंदिनी ने ना हमें अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया, क्लास के बाद में मैसेज किया था उसने हमें, तुम्हारे पास भी आ जाएगा। कैसे? फोन क्या है मेरे पास? मुरली जरा बाहर आना, पापा बुला रहे हैं। सुन मैं बाद में बात करता हूँ दीपू। ठीक है। आपने बुलाया? हाँ, वो क्या है कि मेरा एक दोस्त है कचहरी में, तो वो ना दो मोबाइल खरीद के ले आया और मुझे बोला कि एक मैं ले लूँ, तो ले लिया मैंने, नया मोबाइल है। मैंने सोचा कि तुम्हारे काम आ जाएगा।
ठीक है ना ये वाला? मतलब मुझे तो उतनी समझ नहीं है कि कौन सा अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है। हाँ पापा, अच्छा, थैंक यू। मुरली, क्या हुआ बेटा, तुम खुश नहीं हो क्या? जी खुश हूँ। आप कपड़े बदल लीजिए, हम खाना लगाते हैं। पापा ने बहुत गलत दिन और वक्त चुना मेरी मांग पूरी करने के लिए। उन्हें क्या पता था कि टूटा दिल मोबाइल फ़ोन से नहीं जुड़ता। मैं पापा को गले लगाना चाहता था पर नहीं हुआ मुझसे। हम हिंदुस्तानी लड़कों के लिए अपने पापा को गले लगाना ऐसा होता है जैसे उड़ती चिड़िया को बेड़िया पहनाना, पर उस दिन मुझे उन्हें गले लगाना चाहिए था। Wandering Avara Gard, Flight to Vachan, Joy and Sorrow, Anand or Dukh, Sincere Imandar, Eternal Love, Amar Prem. नंदनी, मुझे उस दिन जब पता चला कि तुम्हारा नाटक अंग्रेजी में है तो डर के मारे मेरे पसीने छूट गए। कैसे बताऊं कि अंग्रेजी मेरे लिए एवरेस्ट चढ़ने जैसी है। बोलना तो दूर, कभी कभी तो समझ भी नहीं आती। रात को डरावना सपना आता है, सब मुझसे ज़बरदस्ती अंग्रेजी बुलवाकर हंस रहे हैं। इसलिए बुखार का नाटक किया मैंने।